वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स। और कैसे हैं आप? बढ़िया। तो आज का जो टॉपिक है वो एक ही LG इनोवेटर PCB का आउटडोर का बोर्ड है। ये देखिए, ये LG का थिमल है और अभी इसको देखें तो ये दोनों कैपेसिटर वीक हो गए और जो IGBT यहाँ लग रहा है इसको चेक करना बाकी है और यहाँ IPM को देखना है और ब्रिज रेक्टिफायर को देखना है और ये शॉर्ट की डायोड लगा इसको देखना है। तो अभी कैपेसिटर तो क्लियर हैं कि लगाना पड़ेंगे। तो अपना मीटर जो है ये डायोड मोड पे है तो मैं IGBT को देखता हूँ पहले कि IGBT किस कंडीशन में है। तो दोस्तों IGBT में 00 शो करने का मतलब ये है कि शॉर्ट है। ये इधर चेक करता हूँ तो इधर भी ये रीडिंग आ रही है, शॉर्ट बता रहा है दोस्तों इससे लेके। फिर इधर करता हूँ तो भी 00 आ रहा है, इधर चेक करा तो भी 111। तो ये IGBT मेरा पक्का ख़राब है। अब IPM को शॉर्टिंग के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये नेगेटिव की पिन है तो मैं यहाँ पॉजिटिव लगाता हूँ और इन तीनों पे UEW पे चेक करना होगा। 404, फिर 404, फिर 404। तो एक साइड गए IGBT ओके हैं। अब दूसरी वाली साइड में जाता हूँ तो ये आ गया आपका 404, फिर 404, फिर 404। तो IPM दोस्तों एकदम सही बता रहा है, ये है अपना ब्रिज रेक्टिफायर। तो ये पॉजिटिव है शीरा, इस पर नेगेटिव लगा रहा हूँ मैं और इन दोनों की रीडिंग चेक कर रहा हूँ। तो 466 बता रहा है ये और ये भी 466, तो ये सही मान लिया जाता है। अब नेगेटिव पर पॉजिटिव रखा हूँ, फिर चेक करता हूँ, ये भी सही बता रहा है, ये भी सही बता रहा है। अब ये शॉर्ट की डायोड है दोस्तों, शॉर्ट की डायोड को एक बार और चेक कर लेते हैं कि कहीं ये तो ख़राब नहीं हुआ है। 353 रीडिंग आ रही है इसकी, ये भी 300, ये सही है दोस्तों। तो बाकी आइटम बिल्कुल क्लियर लग रहे हैं। ये दोनों कैपेसिटर ख़राब हैं प्लस इसका IGBT शॉर्ट है, बाकी तो बाद में पता चलेगा दोस्तों। अभी कोई पता इसका नहीं चलेगा क्योंकि ये चेंज करने के बाद ही जो कुछ होएगा। अब दूसरा ये है कि इसमें अपने पास ये वाले कैपेसिटर हैं नहीं। इस कैपेसिटर की जो वैल्यू है वो है 560 UF और 450 वोल्ट। तो दोस्तों इसकी जगह मैं ये लगाऊंगा, 450 वोल्ट के 450 वोल्ट सही हैं, ये 680 UF है मेरे पास, तो ये 680 UF डालना पड़ेगा मेरे को क्योंकि अब मेरे पास ये वाले कैपेसिटर नहीं है। लेकिन इनकी साइज़ सेम है तो ये ज़्यादा UF का डिफरेंस नहीं है इसलिए साइज चल जाएगा ये। तो मैं इसको दोस्तों निकालता हूँ, रिप्लेस करते हैं फिर देखते हैं। हाँ तो दोस्तों ये मैंने इसमें क्या क्या लगाया देखो दिखाता हूँ पहले। तो ये दो तो कैपेसिटर चेंज हो गए दोनों और एक IGBT जो है चेंज कर दिया, ये भी शॉर्ट था और इसका फ्यूज भी उड़ गया था क्योंकि ये जब IGBT शॉर्ट हुआ तो ये उड़ गया फ्यूज। तो ये चार आइटम मैंने इसमें डाले हैं और अब लगा दिया हूँ मैं इसको लाइन और चेक करते हैं कि क्या हुआ है। दोस्तों सीरीज में लगा रहा हूँ मैं, ये लाइट ग्लो करिए और ये बोर्ड ऑन हो गया अभी। तो दोस्तों जो मैकेनिक था वो इंडोर इसकी लाया नहीं है, खाली आउटडोर ही लाया था। और प्रॉब्लम कैसे हुई क्रिएट इसके बारे में अगर चर्चा करें तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये क्या सर्विस में इसमें पानी चला गया, सर्विस करने गया था मैकेनिक तो पानी चला गया, पानी जाने से ये शॉर्ट सर्किट होकर के IGBT चल गया, फ्यूज उड़ गया, ये कैपेसिटर दोनों शॉर्ट हो गई। तो इनको निकाला मैंने और ये लगाया हूँ तो अभी ये बिल्कुल काम सही कर रहा है बोर्ड, कोई कमी नहीं है। वोल्टेज वगैरह सब मैंने चेक किए हैं लेकिन वो सही बन रहे हैं। फिर भी अगर देखते हैं कि वोल्टेज तो साइड मेरे हिसाब से ये पर एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा। ये देखिए इनपुट इस IC पे 8 वोल्ट हैं और आउटपुट जो हैं वो 5 वोल्ट है। ये आपका 7805 का सर्किट है, इस पर बिल्कुल ओके वोल्टेज मिल रहे हैं। बाकी वोल्टेज भी दोस्तों यहाँ मैं अगर देखूँ तो ये 15 वोल्ट भी मेरे ओके हैं और 12 वोल्ट का अगर चेक करेंगे तो 12 वोल्ट शायद ये 8 वोल्ट है, ये 12 वोल्ट है और 8 वोल्ट और 15 वोल्ट हैं ये
वोल्ट की 12 वोल्ट का पोजीशन है। इस आईसी पे भी देखने को मिल सकता है ये, लेकिन इस पर नहीं मिल रहा। तो ये 15 वोल्ट से ही ऑपरेट हो रहा है दोस्तों। इसमें दो ही सप्लाई हैं, 15 वोल्ट और 8 वोल्ट। 8 से 5 बना लिया और 15 से 12 की जगह 15 ही काम करवा दिया इन्होंने। रिले वगैरह हैं सब 15 से चल रही हैं, इसमें 12 वोल्ट नहीं है। तो ये जो सप्लाई है 15 वोल्ट और 8 वोल्ट, फिर 8 वोल्ट से 5 वोल्ट इसने बना लिया। अभी जो ये लाइट बिलिंग कर रही है, ये एरियर चालू हो गया क्योंकि इसके सेंसर भी नहीं है ना, मैंने कुछ और कुछ इंडोर वगैरह लगा नहीं रखी है, तो ये एरियर देना चालू कर दिया दोस्तों। बाकी ये बोर्ड अब 101% चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों जय हिंद जय भारत, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।